एक्सटर्नल बाइबल स्टोरी फिलिपियंस चैप्टर 1 फिलिपियों एक अध्याय में बाइबल को खोलें सेज पॉल एंड तिमोथी बॉन्ड सर्वेंट्स ऑफ जीसस क्राइस्ट कहता पॉलस और तिमोथी जो मसीह के सेवक हैं टू ऑल द सेंट्स इन क्राइस्ट जीसस हु आर इन फिलिपी विद द बिशप्स एंड डीकन्स ये सारे सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं अध्यक्षों के सेवकों समेत कॉलिंग देमसेल्व्स एज बॉन्ड सर्वेंट्स ऑफ जीसस और वो अपने विषय में बोलता तिमोथी के लिए कि यीशु मसीह के दास या गुलाम कह लो बॉन्ड सर्वेंट्स इट्स नॉट जस्ट सर्वेंट इट्स बॉन्ड सर्वेंट्स ये दास नहीं है एक गुलाम की तरह बोल लो बॉन्ड सर्वेंट्स हैव नो चॉइस गुलाम का कोई चुनाव नहीं होता अपनी इच्छा नहीं होती दे आर कंप्लीटली सबमिटेड एंड कमिटेड टू द मास्टर वो पूरी तरीके से अपने मालिक के लिए समर्पित होते हैं नो विल ऑफ देयर ओन उनकी इच्छा कुछ मायने नहीं रखती स्लेव्स ऑफ जीसस यीशु के गुलाम दैट्स कॉल्ड बॉन्ड सर्वेंट ये होते हैं बंधे हुए मजदूर की तरह नॉट माय विल लॉर्ड बट योर्स बी डन मेरी इच्छा नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो दैट्स बॉन्ड सर्वेंट ये होता है बंधा हुआ मजदूर नो चॉइस यानी अपना कुछ इच्छा नहीं व्हाटएवर गॉड सेज दैट इज यस एंड आमेन व्हाटएवर यू से व्हाटएवर यू वांट टू डू दैट इज देयर इज नो चॉइस फॉर अस दैट इज कॉल्ड बीइंग बॉन्ड सर्वेंट देखिए जो परमेश्वर कहता है वो हाँ और आमीन के जैसे और जो हमने बोला वो कोई चुनाव नहीं है उसका ये होता है बंधुआ मजदूर वी हैव योर फ्यूचर प्लान्स एंड वी से लॉर्ड दिस ऑल माय डिजायर्स एंड माय प्लान्स यू अप्रूव इट दैट्स डिफरेंट थिंग लाइक यू मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स एंड से लॉर्ड यू अप्रूव इट दैट्स नॉट गिविंग चांस फॉर हिम टू से यस और नो फॉर दोस थिंग्स आपने अपनी योजना बना ली पूरी सूची बना ली और आप उससे कह रहे हो कि परमेश्वर ये मेरे जीवन की योजना है आप उसको मौका भी नहीं देते कि हाँ या ना बोलने का बट गिविंग हिम द फर्स्ट प्रायोरिटी सेइंग लॉर्ड यू डिसाइड व्हाट यू वांट मी टू डू आई विल डू इट दैट्स कॉल्ड बीइंग बॉर्न सर्वेंट पहली इच्छा जो होती है ना कहते हैं परमेश्वर को चुनने का मौका दो और यीशु कहलाता है एक बंधा हुआ मजदूर या गुलाम इफ समवन आस्क्स यू व्हाट डू यू वांट टू डू इन द फ्यूचर यू माइट से I'll become a TV preacher. I'll get into the powerful ministry. You know, you have different kinds of desires. That's good. But at the same time, is it the same thing that God is wanting you to do? देखिए आप कोई पूछे क्या बनना चाहते हो आगे तो आप बोलोगे टीवी प्रीचर शक्तिशाली सेवा के लिए लेकिन क्या ये परमेश्वर की इच्छा है वो चाहता आपसे ये करने के लिए Is God wanting you to be the same person how you want to be something aap kuch hona chahte ho and is those plans in line with God's desires for your life to kya wo yojana parmeshwar ki ichha ke anusar hai tumhare jeevan mein having a list of things saying lord I wish this I want this I desire this to happen that's saying I like this and you approve it aur इच्छाएं रखना अपनी पूरी सूची भर के अपने चीजों को पसंद करना ये ऐसा है ये मेरी सूची है और मैं चाहता हूं तो उसे समर्थन दे दे प्रभु से कह रहे हो अदरवाइज आई डोंट हैव एनी डिजायर्स लॉर्ड यू से व्हाट टू डू आई डू इट नहीं तो ये बोलो प्रभु मेरी कोई इच्छाएं मायने नहीं रखती तू बता मैं क्या करूं नो प्री फिक्स्ड प्लान्स पहले की पूर्व निर्धारित योजना कोई नहीं नॉट सेइंग यू शुड नॉट प्लान यू शुड प्लान मैं ये नहीं कह रहा योजना बनाओ मत बट आर दोस प्लान्स एनलाइन विद द विल ऑफ गॉड क्या वो योजनाएं परमेश्वर की इच्छा पे आधारित हैं स्पेसिफिक परफेक्ट विल ऑफ गॉड इन योर लाइफ और विशेष विशिष्ट योजना परमेश्वर की इच्छा के ऊपर दैट्स कॉल्ड टेलीमा इन ग्रीक और टेलीमा बोलते हैं उसको यूनानी में टेलीमा And bulima is a general will of God. Bulima hota hai ki samanya prabhu ki ichha sabke liye. Yeah. Bulima in Greek is called you do whatever generally people do. A ministry or even marrying somebody. Generally a believer to marry a believer that's bulima. Bulima matlab ki samanya sadharan seva karo jaise dusre kar rahe hain. Shaadi karo to jo dusre vishwasi ke sath ye bulima kehlata hai. That's bulima. General will of God. Prabhu ki samanya ichha bulima. Telima is something very specific that it is not general. It is specific, direct, personal to you from God. Aur ye telima hota hai ki vishesh विशिष्ट योजना सीधे परमेश्वर की तुम्हारे लिए
God has somebody, some specific person for your life, and God wants you to marry only that person or do ministry according to His will, only specific area of ministry God wants to give you. That is called telema. इसलिए परमेश्वर ने एक विशिष्ट व्यक्ति रखा है और परमेश्वर चाहता है तुम्हारी शादी उसी से हो और सेवकाई के लिए भी वैसी है जैसा परमेश्वर चाहता है जिस जगह पे उसे कहते हैं telema. Yeah. Telema is God's choice for your life. Telema का मतलब है परमेश्वर का चुनाव तुम्हारे जीवन के लिए. Bolima is generally biblically approved will of God. और पोलीमा होता है साधारण सामान्य परमेश्वर की इच्छा सबके लिए समर्थन दी हुई. इफ यू रियली वॉन्ट टू बी टोटली कमिटेड टू गॉड यू विल ऑलवेज लुक फॉर telema, नॉट पोलीमा. अगर तुम पूरी तरीके से परमेश्वर के लिए समर्पित होना चाहते हो आप पोलीमा के पीछे नहीं जाओगे आप telema के पीछे जाओगे. I know how to do ministry, Lord. I know there are many kinds of ministries, but what do you want me to do? That's called telema. हाँ प्रभु, बहुत सी अलग अलग सेवकाइयां मैं जानता हूँ, बहुत से अलग अलग तरीके करने के, पर मैं जानना चाहता हूँ तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूँ, वो है telema. You know, you might have many desires. You might want to start a church. You might want to have a intercession ministry, or you want to have public crusades like evangelical ministries. There are different kinds of ministries. But do you can all do that. You can do all those kinds of ministries. That's all general will of God. That's telema. देखिए कि आप चाहते हो चर्च की शुरुआत करना, एक सेवकाई करना चाहते हो, है ना, सुसमाचार प्रचार करना चाहते हो, वो तो साधारण सबके लिए प्रभु की इच्छा है, वो बोलीमा कहलाती है. But specifically, if God wants you to do something particularly, some area of ministry, that is called telema. इसलिए अगर प्रभु चाहता है कि सेवकाई के अंदर कुछ तुम विशेष करो, वो है telema. If you do telema, it pleases God. If you do bolima, it's general, it still pleases God, but He won't be so happy how He'll be happy with telema. देखिए अगर आप telema करोगे तो bolima करोगे तो वो तो प्रभु खुश तो होगा क्योंकि वो साधारण है, लेकिन अगर telema करोगे तो परमेश्वर और भी ज्यादा खुश होगा. You know why? बताए क्यों? If God comes to you and say, I want a glass of water. और अगर परमेश्वर तुमसे आके बोले मुझे पानी का ग्लास चाहिए. You'll give him Pepsi. Pepsi, okay. He'll drink. पी तो लेगा. But he'll still ask, I want glass of water. फिर भी आपसे कहेगा मुझे glass पानी बस. You give him biryani. अब बिरयानी दे दोगे. He'll still ask, I want glass of water. वो कहेगा मुझे glass भरा पानी चाहिए. What is this glass of water? God, this is nothing. This is very simple. This is normal. This is so easy, small. Why are you asking for small things? You ask for bigger things, Lord. But God asks, no, I want this. But you do many other things. You think God is satisfied and He is so happy, but He still asks you for the glass of water. इसलिए आप कहोगे परमेश्वर एक ग्लास पानी, ये तो बड़ी साधारण चीज है, मांगना है तो कोई बड़ी चीज मांग प्रभु, ये क्या, ये तो वैसे दे सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर आपसे कह रहा है मुझे एक ग्लास पानी का चाहिए, वो ही है. So many of us end up in pleasing God, try to pleasing God with a religious, strategic ministries, saying, I want to do this and this and this and this. But what is really God wanting you to do? देखिए आप बहुत सी रणनीतियां बनाते हैं ना कि ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी यानी रणनीति बना ली सेवा के लिए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जो तुम विशेष क्या करना है तुम्हें. एवरी इंडिविजुअल हैज अ स्पेसिफिक कॉलिंग इन देयर लाइफ. हर एक व्यक्तिगत के ऊपर व्यक्तिगत बुलाहट है. सो वी नीड टू स्पेंड टाइम इन गॉड एंड गेट टू नो व्हाट इज आवर परफेक्ट स्पेसिफिक कॉल इन लाइफ एंड जस्ट गो अकॉर्डिंग टू इट, डोंट जस्ट बी अ जैक ऑफ ऑल. इसलिए देखिए परमेश्वर से पूछो मेरे जीवन के लिए एक विशेष योजना कौन सी है, ऐसी कहीं भी उठा के नहीं जाता है. Okay, jack of all and master of none. सब बातें करेगा लेकिन कहीं नहीं पहुंचता. You want to do this and this and this and this, 100 things you will do, but you might be losing the specific one thing what God is requiring of you. आप ये करते हो, वो करते हो, ये करते हो, लेकिन जो विशेष चीज प्रभु आपको करने को बोल रहा है वो चीज आप नहीं कर रहे हो. सो वी नीड टू आस्क गॉड, लॉर्ड व्हाट इज योर प्लान इन माय लाइफ. आप पूछो परमेश्वर से, प्रभु तेरी योजना क्या है मेरे जीवन में. अ बॉन्ड सर्वेंट इज सबमिटेड टू गॉड्स विल फॉर हिज लाइफ, नॉट हिज ओन विल. अपना एक बंधा हुआ दास जो है अपनी इच्छा परमेश्वर को समर्पित कर देता है, ना कि अपनी इच्छा को उसके सामने डालता है.